ज्यादा टेंस होने की क्या जरूरत है? 150 करोड़ की शेयर्स के चले जाने से दुनिया तो नहीं उजड़ जाती। 150 करोड़ के शेयर्स हैं गायत्री, जेब से बटुआ नहीं गिर गया कि जाने दो। और इस वक्त उनकी कीमत कहीं ज्यादा है 150 करोड़ से, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री को तबाही से बचा सकते हैं। लेकिन सुनील शेयर्स का करेगा क्या? पहले यह तो समझ में आया कि सुनील ने किया क्या। 2.5 साल से उसे सच्चाई और ईमानदारी की मूर्त मानता है, और मैं ही नहीं सभी लोग उसे इसी तरह पहचानते हैं। और महेंद्र मल्होत्रा का तो उस पर एकदम अंधा यकीन है। मैं तो ये सोचता हूं अगर ये सच है तो बेचारी रितु का क्या होगा। ऋषभ का रिएक्शन देखकर तो मैं भी परेशान हो गई थी। उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी ये 150 करोड़ के शेयर्स जो हैं, वही सो दम तोड़ती मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन का काम कर सकते हैं। सब लोग बौखला जाएंगे। और ऋषभ में अगर बहुत सी खूबियां हैं तो ये खामी भी है कि गलतफहमी का वो सबसे पहले शिकार हो जाता है। लेकिन बिना तुमसे कुछ पूछे समझे ऐसे इल्जाम लगाना तुम पर, करण, ये बचपना है। अब अगर कुछ मामलों में ऋषभ बच्चा है तो कोई क्या कर सकता है। नुकसान तो 150 करोड़ से बहुत ज्यादा का हुआ है। सुनील वर्मा पर से यकीन गवाया और ऋषभ का मुझ पर से भरोसा खो गया। बहुत ही लंबा चौड़ा नुकसान हो गया। इतना ब्राइट फ्यूचर था सुनील का, उसे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? इट्स नॉट सो सिंपल गायत्री। सुनील इसमें अकेला नहीं है। अगर ये मल्होत्रा ग्रुप के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है तो सुनील के अलावा इसमें और भी कई लोग इसके साथ जुड़े हैं। चाय खत्म हो गई? चलो चलो। कहाँ? कम ऑन क्विक, सुनील के पास। लेट्स गो। ओके, वन मिनट।